हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन आज के हम इस वीडियो में छियासठवीं बीपीएससी की जो री एग्जाम आज कंडक्ट हुई थी उसी के क्वेश्चन पेपर और उसके डिटेल सॉल्यूशन के साथ उपस्थित हैं क्वेश्चन पेपर जो हमारे पास उपलब्ध हुआ है वो इंग्लिश मीडियम में ही है जो भी क्वेश्चन पेपर हिंदी माध्यम में उपलब्ध होगा हम पूरे आंसर की हिंदी माध्यम में भी बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे तो चलिए शुरू करते हैं इन हीच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए कि सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक करंट जिसका यूनिट होता है एम्पियर सेकेंड क्वेश्चन है कैन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज तो साउंड वेव वेव का बेस्ट एग्जाम्पल होता है इसका आंसर होगा बी डिसन ऑफ लाइट इज पॉसिबल बाई प्रिज दर्ड का आंसर होगा ए किसी भी उत्तर पर आपको आपत्ति हो सोर्स के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर कोट करें फोर्थ है कैटविज टेम्परेचर द सेल्सियस एंड फॉरन हाइट स्केल कॉन साइड तो इसका सही उत्तर होगा फोर्टी डिग्री सेल्सियस यानी कि सी अगर आप में से किसी के पास आज जो परीक्षा हुई है उसका हिंदी वर्जन भी उपलब्ध है तो आप अमित फॉर एमएस जी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम मेरी ई मेल आई डी है इस पर आप इच डी में यानी कि हाई क्वालिटी में पेपर को स्कैन कर उसकी पी डी एफ सेंड कर सकते हैं जो नया वीडियो में बनाऊंगा हिंदी माध्यम में उसमें आपका शाभार जरूर व्यक्त करते जाऊंगा द पावर ऑफ लेंस इज मेजर तो इसका सही उत्तर होगा फाइव का डी नेक्स्ट है टू डायग्नोसिस द मेडिकल कंडीशन एम आर आई टेक्निक यूज विच इज नॉट यूज इन एम आर आई तो एक्सरे का यूज इसमें नहीं होता है एन सिक्स का राइट आंसर होगा बी सेवन है

द केमिकल फार्मूला ऑफ रूबी इज एल टू ओ थ्री यानी ए नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज क्वालिटी ऑफ पेट्रोल एक्सप्रेस बाई ऑफ डीजल इज एक्सप्रेस बाई इसका सही उत्तर होगा ट्वेल्व का बी थर्टीन नंबर क्वेश्चन हैजाइस्ट मेल्टिंग पॉइंट तो बोरॉन हैज हाइस्ट मेल्टिंग पॉइंट तो सही उत्तर है थर्टीन का ए एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन इज देखिए अगर इसमें आप वैसे देखोगे तो पेंसिलिन होना चाहिए लेकिन अगर आप और भी इसको गहराई से अगर आप कोशिश करें तो ई भी हो सकता है तो मेरे हिसाब से डी या ई में से इसका आंसर होना चाहिए आयोग पर छोड़ देते हैं द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ सी एन जी इज यानी फिफ्टीन का डी द कॉम्पोन ऑफ एसिड रेन इज तो एसओ टू और केमिकल फार्मूला फॉर हेवी वाटर डी टू ओ यानी कि सेवनटीन का सी द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इज सेवन लेकिन यहाँ पे प्योर वाटर नहीं दिया है इसलिए कुछ लोग इस पर आर्गूमेंट दे सकते हैं कि इसका आंसर ई होना चाहिए लेकिन मेरे हिसाब से बी इज राइट आंसर द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर टू थाउजेंड नाइनटीन वाज अवार्डेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज यानी कि नाइनटीन का सही उत्तर है सी नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ तो मोनोमर आइसोप्रीन इसका राइट आंसर होना चाहिए लेकिन आइसोमिर सॉरी आइसोप्रीन इन्होंने दे रखा है तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए बीज का ए द केमिकल यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग द फंग इज इन वाटर टैंक इज कॉपर सल्फेट यानी कि इक्कीस का सही उत्तर होगा डी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्पोनेंट ऑफ क्लोरोफाइल इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम मैग्नीशियम तो इसका मेन कंपोनेंट होता है तो बाईस का सही उत्तर होगा ए वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाई तो जेल के द्वारा होता है एक्स वाई एल ई एम इसके बाद ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन है ड्यूरिंग फूटोसेंसिस ग्रीन प्लांट्स ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड यानी चौबीस का सही उत्तर होगा डी ऑक्सीजन इज ऑब्सेंट इन तो किरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होती है सीमेंट का तो मेन ही कंपोनेंट होता है ऑक्सीजन सोयल और ग्लास में भी ऑक्सीजन होती है यानी पच्चीस का सही उत्तर है डी द सोर्स ऑफ एलजाइम इज तो इसका सही उत्तर होगा कि जो पेंक्रियाज होता है वो इसका सबसे बेस्ट सोर्स होता है यानी कि 26 का बी बीसीजी वैक्सीन इज यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टेबरक्रोसिस यानी कि 27 का सही उत्तर है सी 28 हिच हार्मोन इज प्रोड्यूस इन तो इसका सही उत्तर है इंसुलिन यानी कि 28 का बी हिच एमोंग हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड द लिंफोसाइड यानी कि सही उत्तर है उनतीस का ए तीस है अंगोरा वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वुल्स किया जाता है अंगोरा रैबिट से यानी तीस का सही उत्तर है ए ए रहे थर्टी साइंस के क्वेश्चन अब हम आगे चलते हैं इसके आगे करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं एंसेस्ट्रल विलेज ऑफ कमला हैरिस जो कि अभी यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट बनी है इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु आपको पता होना चाहिए कि उनका संबंध भी भारत के तमिलनाडु राज्य से है और इसका सही आंसर है सी सलीम अली वर्ड सेंचुरी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसका क्या नाम बदलकर दिया गया शिक्षा मंत्रालय टू इंप्रूव द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इसका सही उत्तर होगा सगुन सगुन ऐप को जारी किया गया है रूपसी एयरपोर्ट ज सिचुएटेड इन हिच स्टेट ऑफ इंडिया इसका सही उत्तर है आसाम इन इंडिया हैज इनेक्टेड ए लॉ टू मेक वियरिंग ऑफ फेसियल मास्क कंपल्सरी तो राजस्थान ने ऐसा किया थर्टी फाइव का ये बीज बचाओ आंदोलन सेव द दीड वॉज स्टार्टेड इन विच स्टेट उत्तराखंड यानी छत्तीसगढ़ भी प्रिवेंशन ऑफ द क्रिटी इन टू एनिमल

नेशनल एस्थेटिक्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया तो ट्वेंटी नाइन्थ जून यानी कि फोर्टी का सी और डू एट ऑल आर सिचुएटेड इन हिच ओशियन तो इंडियन ओशियन में सिचुएटेड है यानी फोर्टी वन का सी इंडिया हैज़ फ्री मूवमेंट रिजाइन विथ विच कंट्री तो इसका सही उत्तर है म्यांमार यानी फोर्टी टू का ए द फर्स्ट इनफॉर्मल सबमिट बिटवीन इंडिया एंड चाइना वाज हेल्ड एट वन और सेकेंड कहाँ हुआ था चेन्नई में हुआ था राइट आंसर बी हु फॉलोइंग इज अब क्लियर नहीं है इस पी में कि है या में नॉट है तो अगर मेंबर पूछ रहा है इसमें तो हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया चाइना सॉरी ऑस्ट्रेलिया चाइना और जापान तीनों इसके मेंबर हैं साथ में आसियान के जो कंट्रीज हैं पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है तो अगर इसमें नॉट पूछ रहा है तो इसका सही इस उत्तर होगा डी इंडिया होल्ड्स टू प्लस टू मीटिंग विथ विच कंट्री जिसका होगा उत्तर जापान यूएसए ऑस्ट्रेलिया तीनों के साथ किया इंडिया ने यानी कि फोर्टी फाइव का डी वट इज द ट्रैक वन पॉइंट फाइव डिप्लोमेसी तो जब गवर्नमेंट के लोग अनौपचारिक रूप से किसी दूसरे जगह जाते हैं तो उस डिप्लोमेसी को वन पॉइंट फाइव डिप्लोमेसी कहा जाता है इसका उत्तर होना चाहिए बी नॉन गवर्नमेंट डिप्लोमेसी बिकांग गा कॉपरेशन वॉज लॉन्च इन टू थाउजेंड एट वियतनाम में शुरू किया गया था जिसमें कोई a, C, B, C, भी ऑप्शन ए से बी सी डी में वियतनाम नहीं है तो इसका सही उत्तर होगा 47 का ई विच कंट्री हैज सिस्टर सिटी स्टेट रिलेशनशिप विद अहमदाबाद तो हुआ को जो जापान का सिटी है उसके साथ अहमदाबाद की संधि है सिस्टर संधि संधि यानी कि 48 का डी हु हैज बिकेम न्यूजीलैंड फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन तो प्रियंका राधाकृष्णन बिकेम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन इन न्यूजीलैंड यानी फोर्टी नाइन का ए जो फिफ्टी है हु पब्लिश द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुट इन आउटलुक इंडेक्स इसका सही उत्तर होगा आई एम एफ नेपाल फर्स्ट ट्रांसनेशनल पाइपलाइन स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस इन बिहार तो मोतिहारी से शुरू की गई थी फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इन बिहार जो कि रक्सौल से बिरगंज के लिए शुरू हुआ था सात अप्रैल दो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी तो बावन का सी द क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन ईशानी स्विट्जरलैंड में और कोई भी इसका ऑप्शन नहीं दिया गया इसलिए इसका आंसर होगा तिरपन का ई सिन वाटसन हैज हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट ही प्लेड फॉर हिच ऑफ द फॉलोइंग आईपीएल तो इनका संबंध चेन्नई सुपर किंग्स से था तो चौवन का बी पचपन है इंडिया फर्स्ट इन डॉलफिन बिहार भागलपुर यानी पचपन का सही उत्तर होगा सी छप्पन है बिहार फर्स्ट रामसर साइट लोकेटेड इन बेगूसराय कांवरताल लेक बनाया गया है फर्स्ट रामसर साइट तो छप्पन का एवन हुर दैम्पियंस ऑफ फीडे ओवर ऑनलाइन चेस ओलंपिया ट्वेंटी ट्वेंटी तो इंडिया और रशिया को ज्वाइंट रूप से इसका चैंपियन घोषित किया गया था एन फिफ्टी सेवन का डी हु इज द विनर ऑफ द इटालियन ग्रांड प्रिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी द प्यारे गैसले इज द विनर ऑफ द इटालियन ग्रांड प्रिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी हु होस्टेड द इवेंट कॉल्ड वन मोर थिंग एपल के द्वारा शुरू किया गया था इवेंट इज द ऑथर ऑफ आई एम नो मसीहा फेमस रचना है जब उन्होंने लॉकडाउन में कार्य किया था उसके बाद उन्होंने रचना लिखी है द फर्स्ट ह्यूमन फोसिल तो नर्मदा वैली से यानी कि सिक्सटी वन का सी द फर्स्ट एम्पायर वॉज सॉरी द फर्स्ट एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई विच रूलर टू चंद्रगुप्त मौर्या टू का ए सिक्सटी थ्री द ओलस्ट एक्सप्री कल्चर ऑफ बुद्धा इज मेड इन गंधरवा स्टाइल तो स्टाइल यानी कि का इन इनक्रिप्शन कालिंगा वैली इज तो मैं हाथी गुम्फा इनक्रिप्शन फोर का डी हुआ स्टार्टेड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन सल्तनत पीरियड अलाउद्दीन खिजली फाइव का ए सिक्स विच फेमस वार टुक प्लेस इन सिक्सटीन फिफ्टीन हंड्रेड सिक्सटी फाइव ए डी तालिकोटा का युद्ध हुआ था पंद्रह सौ पैंसठ में यानी कि सही उत्तर है छियासठ का डी हु प्रोगेड दीन इलाही तो दीन इलाही धर्म की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी यानी कि सिक्सटी सेवन का बी अष्ट प्रधान वाज हेल्पिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच रूलर तो इसका सही उत्तर होगा शिवाजी यानी सिक्सटी एट का राइट right आंसर है डी सिक्सटी नाइन हु ऐज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग यानी कि सहयोत्तर है उनहत्तर का सी सेवेंटी में इन्होंने क्वेश्चन को इस तरह का सेंड किया है कि थोड़ी सी लाइन लगता है कट गई है इसलिए हमने इसके आंसर को छोड़ दिया है सेवेंटी वन है वेयर फ्रॉम द रिवोल्यूशन ऑफ एटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन स्टार्टेड फर्स्ट द मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी हुट तो के नेता थे बिरसा मुंडा हु एस्टेब्लिश द आर्य समाज तो आपको पता होना चाहिए दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी हु टू रिसीव फर्स्ट भारत रत्न तो फार फर्स्ट भारत रत्न आबाडी थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन विज सिटी ऑफ बिहार इज सराउंडेड बाई

चिरत बिहार में जो है वो किस कल्चर का है तो न्यूलिथिक कल्चर का होगा यानी कि सेवेंटी एट का सी बाबा ठाकुर दास एस्टेब्लिश्ड फिश सोसाइटी इन पटना तब बाबा ठाकुर दास एस्टेब्लिश्ड रामकृष्णा मिशन सोसाइटी इन पटना यानी सेवेंटी नाइन का बी हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस तो जयराम दास दौलत राम तो ये रहे एटी क्वेश्चन जिसका कि मैंने अभी आंसर आपके साथ डिस्कस किया वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि 81 एटी से लेकर वन तक नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अपलोड कर दूँगा अगर तब तक हिंदी वाले प्रश्न हमारे पास उपलब्ध हो गए तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरे के पूरे को हिंदी में अपलोड कर दूं तो अगर आपके पास हिंदी का प्रश्न हो तो ज़रूर हमने जो ईमेल आईडी दी है अमित फोर एम एस जी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम उस पर उसे साझा करें धन्यवाद हम प्रयास करते हैं आपके लिए कि जो परीक्षा उपयोगी सामग्री है वो आपको यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाए तो आप भी हमारे कार्य को सब्सक्राइब कर कर हमें और भी इस तरह के वीडियोज़ बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं धन्यवाद